नमस्ते और आप सभी का फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पे सोशल वर्क गाइड में। और यहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे वेलफेयर कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए, जो कि आए हैं मेधा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर और ये एक NGO है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सो मेधा ट्रस्ट रिक्वायर्ड कैंडिडेट हु कैन बी ए गुड फिट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सो देयर ट्रू स्पिरिट इन ग्रोइंग इन देयर प्रोग्राम्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी विच इज डेजिग्नेशन एज द वेलफेयर कोऑर्डिनेटर। और यहाँ इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसके लिए कई सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं, लाइक अटेंड ऑल द स्टूडेंट नीड्स। चूँकि ये काम करते हैं स्टूडेंट के वेलफेयर पे, तो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ जो भी और उनके बीच, तो उसको कोऑर्डिनेट करवाना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेडिकल कंसल्टेशन फॉर द स्टूडेंट, कंडक्ट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट इन द एसोसिएशन विद द देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन एंड द अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीवरी ऑफ सैनिटरी एंड अदर आइटम टू और फ्रॉम स्टूडेंट एंड द फॉलो ऑल MCT रूल एंड प्रोसीजर। दिज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए वेलफेयर कोऑर्डिनेटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एनी क्वालिफिकेशन, एनी जॉब, दैट इज क्वालिफिकेशन। सो हेयर एज ए कोऑर्डिनेटर यू मस्ट हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक एनी ग्रेजुएट, बट इफ़ यू हैव मस्ट हैव MSW क्वालिफिकेशन। मतलब आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन यू मस्ट हैव, जो मास्टर डिग्री होगा वो आपका होना चाहिए किससे, सोशल वर्क से। तो यहाँ पे MSW होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथ ही यू मस्ट हैव 3 to 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। जेंडर की बात करें, किस तरह के कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा, तो ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और लैंग्वेज की बात करें, तो यू मस्ट नो तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश, आपको तीनों लैंग्वेज आना चाहिए। चूँकि वर्क है आपको स्टूडेंट के साथ लोकल लेवल पे यहाँ पे हैदराबाद में, इसलिए यहाँ पे तेलुगु आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ तेलुगु एंड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो यू हैव टू ट्रेवल डेली, 80% आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन संडे इफ द स्टूडेंट आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। कैंडिडेट मस्ट ओन 2-wheelers फॉर ट्रेवल एंड विल बी reimbursed फॉर द यूजेज एंड द शुड बी engaging, dynamic, efficient एंड द गुड communicator। यानी कि आपके पास दो चक्के वाली गाड़ी यानी कि 2-wheelers होना चाहिए। ऑब्वियसली 2-wheeler होगा तो उसके लिए जो भी उस पर खर्चे आएंगे, लाइक पेट्रोल और उसके मेंटेनेंस के लिए, दे विल बी reimbursed, वो आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको 2-wheelers चलाने आना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द एबव सेट पोजीशन, जस्ट सेंड योर अपडेटेड रिज्यूमे। और यहाँ पे पूरा ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको 2 ईमेल एड्रेस दी गई हैं, इन दोनों में से किसी भी ईमेल एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करना है। सो एक ग्लैंस में हम देखें तो यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट भी बस अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने MSW किया हो और जिनके पास 3 to 5 years का वर्क एक्सपीरियंस हो। तो दीज आर द क्वालिफिकेशन, ये ईमेल एड्रेस दिया गया, इस पे आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है। जस्ट आप अगर एलिजिबल है तो इसे फटाफट इसे भेज ही दीजिए। सो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पे वेलफेयर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, मेधा चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोकेशन होगा हैदराबाद तेलंगाना। और यहाँ इस पोस्ट के लिए सिर्फ वीमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड दोज हु हैव कम्प्लीटेड देयर MSW एंड हैविंग 3 to 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, दे कैन सेट देयर, जस्ट सेंड देयर अपडेटेड रिज्यूम और ऑन गिवन ईमेल एड्रेस। दिस इज द ओनली ईजी मेथड एंड वेरी अप्रिसिएबल एंड वेरी वेरी ईजी मेथड टू अप्लाई। सो दोज हु आर एलिजिबल जस्ट गो फॉर इट एंड कैच इट। एंड फिर मिलते हैं किसी ही नए वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।